क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को जो है मनाया जाता है और उसी के साथ आज जम्मू में है हम, जम्मू के हम गैरिसन चर्च में है जिसे जम्मू का सबसे बड़ा जो है वो चर्च माना जाता है। वहां पर किस तरह की तैयारियां, और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि उस दिन जो क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग जो है वो जीसस के बेटे का जो है वो जन्म हुआ था, इसीलिए जो है इसे क्रिसमस मनाते हैं। और उसी के साथ अगर हम क्रिसमस की बात करें वो दो लफ्जों से बनता है, क्रिस्ट और एक मास, यानी उसका मतलब हो गया कि यहाँ पर सुप्रीम सेलिब्रेशन और फेस्टिवल को जो है मनाया जाता है। और उसी के साथ यहाँ पर आपने देखा जिस तरह से अगर हम बात करें पूरे देश में जो है वो क्रिसमस मनाया जा रहा है, और उसी के साथ साथ आज जम्मू में किस तरह की चहल पहल है, किस तरह की तैयारियां जो है वो जम्मू में हो रही है, और 25 दिसंबर यानी आप देखिए इसे पूरा उस तरह से बनाया गया है जहां पर उनका जन्म हुआ था। वेलकम टू बेथलहेम, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और किस तरह से अगर हम चरवाहों की बात करें, किस तरह से जो है ये चरनी बनाई गई है, यानी इसी में जो है बिल्कुल उसी तरह के फीचर्स यहाँ पर बनाए गए हैं जो उस अकॉर्डिंग वहां के, अगर हम बेथलहेम की बात करें, वो थे। खुदा ने आदम और हवा के समान हम सबको अपनी शक्ल और सूरत में बनाया है। दुनिया की पल भर की खुशियां, आजमाइशें और बहानों के चलते हम भी खुदा के प्यार से दूर भागते रहे हैं, पर खुदा के प्यारे बच्चे होने की हमारी असली पहचान और इज्जत को कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। और ये देखिए यहाँ पर जो एक पोर्ट्रेट है वो यही दर्शा रहा है कि आदम और हवा का ये पोर्ट्रेट है, यानी दुनिया के सबसे पहले इंसान जिन्हें इंसान की जो है वो शक्ल में उतारा गया था और कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर बनाया गया है। और हम अगर आगे की बात करें तो हम वहां पे जाते हैं, और मैं आपको पहले यहाँ पर बताना चाहूंगी कि क्रिश्चियनिटी में कैंडल्स लगाने का जो है वो बहुत महत्व है, और कैंडल जो है वो मदर टेरेसा के जो है वो सामने लगाई जाती हैं। लोग कैंडल्स लगा के जो है वो अपनी विश मांगते हैं, और आज भी यहाँ पर बहुत से लोग आए हैं और वो कैंडल जला के जो है यहाँ पर विश मांगते हैं। और आप देखिए ये रहे वो जिस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और एक मदर टेरेसा यानी मदर मैरी के स्टेचू के पास की अगर हम बात करें, वहां पर जो है वो कैंडल्स लगाई जाती हैं और यहां पर जो है वो विश मांगी जाती है और उनकी विश जो है पूरी होती है। तो इसी तरह से जो है आज हम यहां पर हैं, ये गैरिसन चर्च के हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, सेंट मैरी गैरिसन चर्च जो गांधीनगर में है वहां पर किस तरह की जो है वो तैयारियां हो रही हैं। और ये तैयारियां कल के लिए हो रही हैं, यानी आज 24 है, आज 24 तारीख है और कल जो है वो 25 तारीख है, तो उसके लिए ये जो तैयारियां हो रही हैं यहाँ पर 24 तारीख के लिए, आज रात को जो है यहाँ पर फंक्शन होगा। और पूरी रात की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर खुदा की यानी जीसस की इबादत की जाएगी यहाँ पर, और उसके बाद जिस तरह से कल की हम बात करते हैं, आप ये विजुअल्स में देखिए यहाँ पर स्कूल की जो है वो बच्चियां आई हैं, कॉलेज की बच्चियां आए हैं, और यहाँ पर जो है वो क्रिसमस एक खास मौका है उसके लिए आज यहाँ पर देखने आए हैं कि किस तरह से अगर हम बात करें तो इसको सजाया गया। चलिए हम आपको विजुअल्स जो है वो सामने के दिखाने की कोशिश करते हैं कि विजुअल्स क्या है और किस तरह से जो है सजावट यहाँ पर की हुई है। सामने आप देखिए कि उस पोर्ट्रेट जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मदर मैरी, और वहाँ पर जो है उसी जगह को बनाया गया है जहाँ पर जीसस का जन्म होगा। आज 24 की रात है, 24 की रात को ही जो है वो जीसस का जन्म हुआ था, और यहाँ पर सारी तैयारियाँ कर दी गई हैं। और जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि आज 24 की रात है, और आज जो है वो इस चर्च में क्या जम्मू के जितने भी तमाम चर्च हैं वहाँ पर जो है वो कार्यक्रम किए जाएंगे और अलग अलग कार्यक्रम होंगे, और उसी के साथ कल जो है 25 दिसंबर को जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा। आज हर एक चर्च में जो है फंक्शंस होंगे, हर कोई उसमें पार्टिसिपेट करता है, और आज हर कोई जो है वो चर्च जाएगा, क्योंकि रात को जो है, रात अगर हम बात करें जिस तरह से, मैं आपको ये ट्री बता दूं, इस ट्री पर जो है उनकी पूरी जो है वो हिस्ट्री, आप ये जो ट्री देख पा रहे हैं इस ट्री पे जो है अलग अलग संदेश दिए गए हैं। मैं आपको एक दो संदेश जो है वो पढ़कर बताना चाहूंगी। दुख दर्द में भी खुदा हमें बचाने के लिए रास्ता बनाता है, सजा नहीं बल्कि प्यार और रहम की खुदा के हथियार हैं। खुदा का हर हुक्म हमें हमेशा ही खुशी की ओर बुलाता है, और बिल्कुल खूबसूरत सा एक ट्री बनाया है और जिसके ऊपर जो है संदेश लिखे गए हैं, और खुदा की योजना में आप सबसे महत्वपूर्ण है, इस तरह से जो है वो ट्री बनाया गया है, और उसमें जो है एक ब्यूटीफुली डिजाइंड जो है मिरर है,
सिर्फ मैं अगर जम्मू की बात ना करूं, अगर बाहरी अन्य राज्यों की बात करें या अपने जिस तरह से अपने देश के बाहर की बात करें, वहां पर भी जो क्रिसमस का फेस्टिवल है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज कॉलेज की बच्चियां यहां पर पहुंची हैं और बिल्कुल यहां पर जो है इंजॉय कर रही हैं और देख रही हैं। और सामने अगर जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर जिस तरह से क्रिसमस जो है वो सेंटा के बिना कम्प्लीट नहीं होता, तो बिल्कुल जो है वो क्रिसमस यहाँ पर भी सेंटा के बिना कम्प्लीट नहीं हो रहा है। और जिस तरह हम बचपन में जो कहानियां सुनते थे कि सेंटा क्लॉज आएंगे और गिफ्ट देकर जाएंगे, बिल्कुल उनकी एक पालकी जो है वो रथ बनाई गई है और ये स्नो दर्शा रही है कि बर्फ पर जो है वो सेंटा जो है वो चल रहे हैं, तो ये सेंटा क्लॉज है। और अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, बिल्कुल अगर आप कैंडल्स खरीदना चाहते हैं अपनी विश के लिए, तो आप यहाँ से जो है वो कैंडल्स भी ले सकते हैं। वहीं आगे हम आपको जो है वो अंदर के विजुअल्स बताते हैं। अभी जो है जिस तरह से मैं आपको बता दूं, अंदर जो है वो तैयारियां चल रही हैं, तो हम आपको जो विजुअल्स हैं वो यहीं से दिखा रहे हैं कि एक बार मैं आपको रोड साइड भी जो है विजुअल्स दिखा दूं। कल आप ये देखिएगा कि कल यहां पर खड़े होने की जो है वो भी जगह नहीं मिलेगी। तो आज यही विजुअल्स हैं कि क्रिसमस की तैयारियां किस तरह से हो रही हैं और किस तरह से जो है क्रिसमस का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग जो है द सन ऑफ जीसस का जो है वो आज रात 12 बजे जो है वो जन्म होगा। और ये सब तैयारियां अगर मैं आपको बंटिंग्स दिखा दूं, इस तरह से स्टार्स दिखा दूं, क्योंकि इनका एक खास महत्व रहता है क्रिसमस पे जो है, ये हैं चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ये बेल्स जो है सेंटा क्लॉज के आने का आगमन यानी इन बेल से किया जाता है, और बहुत ही खूबसूरत से संदेश यहाँ पर लिखे गए हैं और बहुत ही खूबसूरती से क्रिसमस कैरल्स यानी जिंगल बेल जैसी जो है, आपने क्रिसमस कैरल्स की बात करें वो जो है गानों को गाया जाता है, और आज रात को जो है वो इबादत का दिन है, ये लोग जो है वो इबादत करेंगे। और बिल्कुल जिस तरह से हम क्रिसमस की बात कर रहे हैं वो एकदम पीसफुली है, और हमारे जम्मू कश्मीर में सब धर्मों के लोग जो है इसे मिलजुल कर मनाते हैं, और कहीं ना कहीं ये बच्चों का जो है वो मन पसंदीदा त्यौहार है। और ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, हमने आपको गांधीनगर के सेंट मैरी गैरिसन चर्च से दिखाई, जिसे जम्मू का सबसे बड़ा चर्च माना जाता है। और इसी के साथ साथ जिस तरह से आज रात 12 बजे की बात करें, यहाँ पर जो है वो कार्यक्रम होंगे, आज रात 12 बजे की बात करें बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। और जिस तरह से हम कोविड की बात करते ही हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी जो है यहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि रात को जो है वो गैदरिंग बहुत ज़्यादा होगी। और जिस तरह से आप सब लोगों को हमारी तरफ से भी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सब लोग भी जो है वो क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाएं। और क्रिसमस की अगर बात करते ही हैं, उससे पहले जिस तरह से क्रिश्चियनिटी पे लोग बिलीव करते हैं, वो इससे पहले जो है वो जिस तरह से अगर हम बात कहें कुछ भी फ्री एड या कुछ भी खाना देना या कुछ भी जो है वो करते हैं, यानी इसे पुण्य का काम कहा जाता है जो क्रिसमस से ठीक पहले किया जाता है। और आज जो है रात को क्रिसमस की सेलिब्रेशन होगी, आज रात को केक कट किया जाएगा, आज यानी द सन ऑफ जीसस उनका जो है वो जन्म होगा, और आज जो है वो खुशी मनाई जाएगी, और कल जो है इस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा, और कुछ सब लोग जो है इसे बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करें, और ये दुआएं करें कि हमारा जो देश है वो जल्द से जल्द कोविड से निजात पाए, जिस तरह से ओमिक्रॉन जो है वो बढ़ते हुए अपने कदम पसार रहा है, तो उसके लिए भी जो है प्रार्थना की जाए। और आपको हमारी तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ अल्लाह हाफिज़।